माफिया अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पिक्चर वॉर जारी है। ताजा विवाद में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का नाम सामने आया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे, अपराधी, माफिया किस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, ये सब ने देखा है। मेरे ऊपर RDX बम से हमला हुआ था 12 जुलाई 2010 को, और मैं मिनिस्टर था। मिनिस्टर को रिमोट बम से उड़ा दिया गया और मैं कोमा में सात दिन। अज्ञात के खिलाफ FIR लिखी गई और जब उसकी जांच हुई तो 16 के 16 अपराधी समाजवादी पार्टी के थे, और वो अपराधी कभी मुलायम सिंह जी को सोने का गदा और अखिलेश को सोने की तलवार और शिवपाल को सोने का मुकुट पहना रहे। दरअसल समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में बाहुबली अतीक अहमद के साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने ट्वीट कर लिखा, सूप बोले तो सूप, वो चलनिया भी बोले जामे 72 छेद। योगी जी का मंत्री नंदगोपाल नंदी खुद एक बड़े भ्रष्टाचारी, माफिया और आपराधिक किस्म के आदमी हैं। आज प्रयागराज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन पर 5 करोड़ रुपए हड़पने के आरोप लगे हैं। योगी जी, तनिक भी नैतिकता हो तो इन्हें बर्खास्त करें। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में अतीक की बहन और भाभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है। अतीक की बहन आयशा नूरी ने मीडिया के सामने आकर कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। आरोप है कि कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। जब आयशा नूरी अतीक अहमद से मिलने गुजरात पहुंची थी तब खुद अतीक ने उन्हें इस कर्ज के बारे में बताया था। अतीक ने नंदगोपाल नंदी से उधार वापस लेने को कहा था, लेकिन अब अतीक की बहन का दावा है कि मंत्री जी पैसा नहीं लौटा रहे हैं, ना ही अतीक के परिवार का फोन उठा रहे हैं और ना ही कोई बात कर रहे हैं। अतीक की बहन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी से भी मदद की गुहार लगाई है। आयशा नूरी सीएम योगी से अपने दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की प्रार्थना कर रही है। इस पूरे विवाद पर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नंदगोपाल नंदी ने ट्वीट कर लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में भी कार्यवाही पूरी सख्ती के साथ इसी दिशा में अग्रसर है, इसलिए ये बेसर पैर की बातें मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने और गुमराह करने का असफल प्रयास मात्र है। ये तथ्यहीन, अनर्गल और बेतुकी बातें हैं। मेयर चुनाव से इसको जोड़ना न केवल फिजूल है बल्कि हास्यास्पद भी है। साफ है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही बाहुबली अतीक अहमद को एक दूसरे से जोड़कर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रही हैं। ये खबर आप तक लेकर आए थे हमारे साथ ही भानु कुमार झा, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है ललन टॉप स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।